सरकार आई है तो हमारा एक ही मुद्दा है सेव गंगा जल सेव इंडिया। तो बॉलीवुड टेलीविजन के बीच में कहीं ना कहीं हमने गंगा को गंगा की तरफ ध्यान नहीं दिया और इसके वजह से गंगा नदी जो हमारा नेशनल इन शॉर्ट ये इन शॉर्ट बेसिकली ये कहा जा रहा है कि गंगा नदी जो बिल्कुल अभी पूरी तरह से डिजास्टर वे में गुजर रही है, पूरी तरह से गंदगी हो चुकी है, वहाँ पे साफ करने का मुद्दा एक उठाया जा रहा है। तो आप अपनी तरफ से एज ए पब्लिक फिगर क्या कहेंगे हमारी नई सरकार? राज कपूर साहब ने 20 साल पहले 20-25 साल पहले फिल्म बना दी थी राम तेरी गंगा मैली हो गई, और राम और अल्लाह जो भी हैं वो ऊपर से या जहाँ कहीं भी हैं देख रहे हैं कि राम की गंगा कितनी मैली हो गई है। तो ये बहुत अच्छा क्षण है इस देश के लिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने हैं और जो एक फैसला लेने में सक्षम है, क्योंकि बातें तो सालों से हर कोई करता रहा है, हर सरकार ने बातें की हैं, करोड़ों रुपए यहाँ से वहाँ हो गए, लेकिन गंगा को कुछ नहीं मिला है। और गंगा में हम सभी अलग अलग वक्त पे अपने पाप धोने जाते हैं, तो पाप तो धुलते हैं कि नहीं, लेकिन जो गंदगी है उससे हम सब लोग गंदे होकर ज़रूर बाहर निकलते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका है और मुझे पूरा यकीन है कि ये सरकार पूरा ध्यान देगी और गंगा शायद इस बार साफ हो जाएगी। अगर आपको मौका दिया जाए तो आपको गंगा को कंजर्व करने में क्या योगदान? देखिए, एक तो उसमें यह है, मुझे लगता है कि हर एक की जिम्मेदारी है, हम किसी एक पर नहीं थोप सकते कि सरकार है सरकार करेगी। जो एक इंडिविजुअल सिटीजन है, गंगा इतने सहस्रों शहरों से गांवों से होकर गुजरती है, तो कहीं ना कहीं हम उस बात को खुद समझें कि हम गंदा ना करें इंडिविजुअल लेवल पे।